नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों के माध्यम से चलाई जा रही तमाम जन कल्याणकारी हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ संभावित पात्र हितग्राहियों को मिल पा रहा है या नहीं, इसकी हकीकत जानने और उक्त योजनाओं के लाभ पाने के लिए हितग्राहियों द्वारा बार बार कार्यालय के चक्कर काटने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान न होने पर हितग्राही लाभ से वंचित थे। जिन लाभ प्रदान करने के लिए भीतरवार मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश कुमार सोनी द्वारा नगर में एक अभिनव पहल करते हुए आपकी नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। कर्मचारियों की टीम के साथ नगर के वार्ड क्रमांक 10, 11, 12, 13, 14 के वंशदों के यहाँ डोर टू डोर CMO दिनेश कुमार सोनी पहुंचे। भीतरवार नगर के वार्ड क्रमांक 10 में शिविर का आयोजन किया था नगर परिषद द्वारा, क्या उद्देश्य था शिविर का? इस शिविर का उद्देश्य था मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी समस्त योजना का धरातल तक, निचले स्तर तक, अंतिम छोर तक गरीब तबके के लोगों को लाभ मिला या नहीं मिला, क्या कारण रहा, उनको लाभ देने का उद्देश्य इस शिविर का उद्देश्य। तो लगभग इसमें कितने प्रकरण आए और कितना निराकरण हो गया होगा? इसमें लगभग 142 प्रकरण आए हैं, जिसमें 107 आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं, 10 प्रकरण पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हैं। उन 10ों ही प्रकरणों का मौके पर निराकरण कर, जिसमें से 5 स्वीकृत हैं और 5 निरस्त हैं। एक नल विच्छेद का आया है, उसका भी निराकरण कर दिया। लोन के 7 प्रकरण आए हैं, उनका परीक्षण किया जाना है, फिर उनका निराकरण किया है। 12 प्रकरण कर्मकार मंडल की जो निर्माण श्रमिक योजना है उनके पंजीयन के लिए आया है, उनका परीक्षण करके इनका शीघ्र निराकरण किया गया। एक केस शिल्पी का प्रकरण है, निराकरण कर दिया। परिवार आईडी के कुछ प्रकरण आए हैं, 7-8 प्रकरण हैं, तो उनकी आईडी क्रिएट कर दी। कुछ पात्रता पर्ची के भी 4-5 प्रकरण हैं।